हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे बेटा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम विषय संस्कृत कक्षा 9th और 10th वीडियो आज हम 16 बना रहे हैं, वीडियो 16। और शीर्षक अपना वो चल रहा था पहले से, वही कारक, ये लास्ट टॉपिक है। कारक के अंदर जो ये लास्ट जो पार्ट का जो भाग है, सातवां अधिकरण कारक आज हम समझ रहे हैं। ये लास्ट है, इसके बाद में कारक कंप्लीट हो जाएगा और अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेके शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में जो मैं अधिकरण कारक आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने वीडियो 15 में आपको संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया और आपको समझाया भी था सारा कि किस प्रकार संबंध कारक कार्य करता है, उसमें किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य प्रयोग सारा बताया था आपको मैंने। आज अधिकरण कारक के अंतर्गत सर्वप्रथम ये जानते हैं कि अधिकरण कारक होता क्या है। देखिए बेटा, यह मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि कस्यपि कार्यम कर्तुम, कस्यपि किसी भी कार्यम कार्य को कर्तुम करने के लिए, किमपि किसी, न नयनी नहीं, किमपि किसी, यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी आधार से आधार की आवश्यकता होती, आवश्यकता जरूरत और भौतिक यानी होती है। तत् आधार एव, वह आधार ही अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक कथ्यते इति, इस प्रकार कथ्यते कहलाता है। देखो बेटा, आधार अधिकरण कारक कैसे कहलाता है इसके बारे में समझ। देखिए बेटा, आप सभी जानते हो हम कोई भी कार्य करें तो कार्य करने के लिए करना पड़ता है, हमें एक उस जगह के लिए एक निश्चित वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को खेलना है, आपसे पूछता है भाई खेलना है कहाँ, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए, तो क्या कहोगे आप? खेल के मैदान में जाओ, प्ले ग्राउंड, क्रीड़ांगण। तो खेल का मैदान खेल का आधार हो गया, ठीक है बेटा। अगर आपसे कहेंगे खाना बनाना है खा जाओ, तब क्या कहोगे? मम्मी किचन में जाओ, रसोई में बनाओ। कोई कहेगा पढ़ना है, मुझे ज्ञान सीखना है, तो कहाँ जाए, क्या कहोगे आप? विद्यालय की स्कूल में जाओ, ठीक है जी। तो इस प्रकार हम कोई भी कार्य करें तो कार्य करने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है, बिना आधार के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो जो आधार होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। अस्मिन कारके, इस कारक में सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है च और चिन्हम, चिन्ह में पर, या तो में होगा या फिर पर होगा, इति इस प्रकार भक्ति यानी होता है, यानी इसके चिन्ह होते तो होता है में या होता है पर, ठीक है जी। यहां मैंने इसके उदाहरण देखे हैं, शुके वृक्षे तिष्ठति, इसका अंतर क्या होता है? शुके क्या होता है? तोता, वृक्ष यानी पेड़ पर, पेड़ पर आ गया ना, और तिष्ठति यानी बैठता है, तोता पेड़ पर बैठता है। तो यानी कि बैठने का स्थान क्या है? पेड़, पेड़ क्या हो गया? आधार। तो यहां बैठने का आधार क्या हो गया? पेड़, इसीलिए पेड़ में अधिकरण कारक है यानी कि सप्तमी विभक्ति। तो वृक्ष जो अंडरलाइन है रेखांकित है, सप्तमी विभक्ति और कारण क्या आएगा? अधिकरण कारक है योगे। दूसरा भी मैंने उदाहरण लिखा है कि बालकः विद्यालये अध्ययनं कुर्वन्ति, इसका अर्थ क्या है? बालकः अनेक बार या बहुत सारे बालक विद्यालय, विद्यालय में अध्ययनम पढ़ाई,
कुर्वन्ति कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अध्ययन या पढ़ाई कहाँ की जा रही है? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हो गया? अध्ययन का आधार हो गया। इसीलिए विद्यालय जो अंडरलाइन है या रेखांकित है, इसमें सत्य व्यक्ति है और कार्ड में लिखेंगे हम अधिकरण कारक है योगे। तो समझ आ गया होगा अधिकरण कारक के बारे में। अब इसमें कुछ वाक्य प्रयोग भी हैं जो मैंने यहां लिखे हैं, आप सभी देख सकते हो कि वाक्य प्रयोग के अंतर्गत यहां मैंने 5-6 लिखे हुए। तो 6 के अंदर वाक्य प्रयोग में सर्वप्रथम पहला क्या लिखा है? इसनी है। इसनी है बेटा एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है इसने करना, या अपनी भाषा में कह सकते हैं प्रेम करना। तो इसने या प्रेम करना, इसका वाक्य प्रयोग क्या किया है कि माता पुत्र स्नेहति। क्या लिखा है? कि माता पुत्र स्नेहति। स्नेहति प्रेम करती है, स्नेह करती है, कौन करती है? माता। किस पर? अपने पुत्र पर। तो यहां पर क्या है? प्रेम के प्रति किस पुत्र पर प्रेम किया जा रहा है। तो पुत्र जो अंडरलाइन रेखांकित है, इसमें सबकी भक्ति आएगी, क्यों आएगी? स्नेह धातु योगे। इसके बाद में हम जो हमने ये प्रथम अभी इसमें धातु समझा, इसके बाद में आगे बढ़ते हुए दूसरे पर देखो क्या लिखा है मैंने। संलग्न है। संलग्न एक शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदी में लगे रहना, यानी उसी कार्य को करते रहना, ये होता है संलग्न। जैसे वो पढ़ने में संलग्न है, मतलब वो पढ़ रहा है, अपने पढ़ने का लगा हुआ है, तो इस प्रकार लगे रहना इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग में वाक्य लिखा है सरिता स्वय कार्य संलग्न अस्ति, कि सरिता अपने कार्य में संलग्न है, यानी अपने कार्य में लगी हुई है। तो स्वय कार्य जो कि अंडरलाइन रेखांकित है, इससे सप्तमी विभक्ति आएगी, और आई क्यों? संलग्न है योगे। अगला हमारा इसमें चतुर है। चतुर का अर्थ क्या होता है? चाला। छात्रा अध्ययन में चतुर अस्ति, यानी छात्रा अध्ययन में चतुर है, मतलब अपनी पढ़ाई में चालाक है, अपनी पढ़ाई में आगे है, होशियार है, निपुण है। तो यहां भी सप्तमी विभक्ति अध्ययन अंडरलाइन जो रेखांकित कर रखा है मैंने, इससे सप्तमी विभक्ति है और कार्ड क्या आएगा? चतुर है योगे। इसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ से ये कह सकते हैं कि उसमें आस्था। क्या कह सकते हैं? श्रद्धा यह होता है कि आस्था, और आस्था यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि विश्वास का एक तरह से दूसरा नाम है, क्योंकि जिस पर विश्वास होता है उसके प्रति आस्था होती है। हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्यों? क्योंकि उन पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारी आस्था है। तो यहाँ पर लिखा है कि बालकस्य पितरि श्रद्धा अस्ति, कि बालक की पिता पर श्रद्धा है, आस्था है, कि उसे पता है कि उसके जो माता पिता है जो करेंगे उसके लिए अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ पर पितरि में सबकी भक्ति है जो अंडरलाइन और रेखांकित किया गया है, और कारण लिखेंगे हम श्रद्धा योगी। अगला है विश्वास है। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। देखो बेटा, कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसी पर भरोसा या विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर देखो, भक्तम ईश्वरे विश्वास अस्ति, भक्तम भक्त को ईश्वरे भगवान ईश्वर पर विश्वास है, विश्वास या भरोसा अस्ति यानी है। तो यहां ईश्वर जो अंडरलाइन रेखांकित वाक्य है, इसे सत्य भक्ति है और कारण लिखेंगे विश्वास है योगे। इसके बाद हमारा जिसमें लास्ट है तमा प्रत्यय। देखो बेटा, तमा प्रत्यय जो है वो भी तुलना के योग में कार्य करता हमेशा। तो यहाँ पर तमा प्रत्यय कैसे तुलना में, यह वाक्य लिखा है मैंने कि कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। कविषु कवियों में कालिदास है, कालिदास श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ यानी कि विशेष विद्वान और अस्ति यानी है। देखो बेटा, आपको प्रत्यय पिछली कक्षा में जब प्रत्यय पढ़ाया गया होंगे, आपको बताया गया होगा कि जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए,
यानी कि दो बच्चों खड़ा कर दें और उन बच्चों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां तो काम आता है तर्क प्रत्यय। और जब अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए, यानी पूरी क्लास में से, पूरी कक्षा में से किसी एक बच्चे को बताया जाए कि यह इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, तो वहां पर काम करता है तमक प्रत्यय। तो इसी प्रकार ने जो प्रयोग किया है कि कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, तो कवियों में कवि बहुत सारे हो गए और उन सभी कवियों में से एक कवि को विशेष प्रकाश किया गया कि कालिदास जी जो है वो कवियों में अग्रणी है, श्रेष्ठ है, विद्वान है, या कह सकते निपुण है। तो यहाँ कविश को अटलाइन कराया, मैंने रेखांकित किया है, तो जो शक्ति भक्ति है और कार्ड का है बेटा, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, यानी सुन लगी जा रही है, तो तमक प्रत्यय योगे। तो आप सबने देखा कि अधिकरण कारक के बारे में पढ़ा और आप सबको समझ में आया होगा बेटा। तो इस प्रकार आप सभी घर पर ध्यान पूर्वक इसका रिवीजन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ताकि आपको भी आसानी समझ में आ सके। तो इस प्रकार आज ये हमारा जो कारक का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप अपने घर पर ध्यान पूर्वक रहें बेटा, अपने बड़ों यानी माता पिता गुरुजनों की बात को मानते हुए नियमित अध्ययन करें और खुश रहें। ओके बेटा।